हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, आज मेरा जन्मदिन है। मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप सभी लोग मुझे अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आ गई हूँ अपनी फैमिली के साथ खटीमा डिनर के लिए। वैसे तो हम लोग जन्मदिन नहीं मनाते हैं, मतलब घर पे ही मना लेते हैं, बाहर कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन आज मेरे बच्चों का मूड था और मेरे हस्बैंड जी का भी मूड था, तो हम लोग डिनर के लिए आ गए हैं खटीमा। घर से हम लेट चले थे क्योंकि बारिश हो रही थी। कोई ऐसा प्लान भी नहीं बन पा रहा था कि हमें कहाँ जाना चाहिए और किस तरह से बर्थडे सेलिब्रेशन करना चाहिए। जब तक हम यहाँ पहुँचे, बच्चे मीनू देख रहे थे तो बच्चों को कोई फास्ट फूड नहीं मिल रहा था और इस तरह का कोई डिनर भी नहीं मिल पा रहा था क्योंकि सावन का महीना चल रहा था, आप सभी लोग जानते हैं। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आगे जाकर देखूं, कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम डिनर करके ही घर जाएं, लेकिन यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं हो पाया। दोस्तों, जिस रेस्टोरेंट की मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, यहाँ ऊंची दुकान और फीके पकवान वाला हाल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमें डिनर नहीं मिल पाया। फिर हम एक दूसरे रेस्टोरेंट में चले गए। रेस्टोरेंट का नाम है परचून। यहाँ पे मेरे छोटे वाले बाबू ने और मैंने काफी इंजॉय किया क्योंकि अभी डिनर बनने में टाइम था। जब तक केक रेडी होके आ रहा था, हमने सोचा थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं। मेरे तो जो बड़े वाले बच्चे हैं वो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। अब ये छोटा है तो ये मेरे साथ कर लेता है। हमने यहाँ पे दो रील भी शूट की और तब तक हमारा केक भी रेडी होके आ गया है और मैं खुद ही कैमरामैन बनी हूँ कहीं पे, और कहीं पे मेरी बेटी ने जो वीडियो है शूट कर रखा है। हस्बैंड जी ने मुझे बर्थडे में क्या गिफ्ट दिया वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। वैसे भी अभी मुझे शादी की सालगिरह में मेरे हस्बैंड जी ने रिंग दी थी, गोल्ड रिंग। आप सभी लोगों को मैंने वीडियो शेयर किया था। बच्चों ने भी यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया, मैंने भी काफ़ी इंजॉय किया। केक कटिंग भी हो गई है हम लोगों की। डिनर के लिए हम लोग कम ही जाते हैं बाहर, घर पे ही डिनर करते हैं। तो जो मेरा छोटा वाला बाबू है वो बहुत थक गया है क्योंकि 11 बज गए हैं रात के। उसको केक खाने का भी मन नहीं है और डिनर करने का भी मन नहीं है। उसने डिनर भी नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया है। और डिनर में जो है वो वेज ही है सब कुछ, नॉन वेज कुछ नहीं है। मैं कैमरामैन बनी हुई हूँ। उसके बाद जब मैं हस्बैंड जी के साथ डिनर कर रही हूँ तो मेरी बेटी ने वीडियो शूट कर रखा है। दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है कि हमें डिनर के लिए बाहर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कोई भी हमारा जो स्पेशल सेलिब्रेशन है वो हमें घर पे ही मनाना चाहिए या फिर डिनर के बहाने हमें बाहर जाना चाहिए? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।